भारतीय कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कलकत्ता में खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल पर रद्दमल दिया और कहा कि मैं बतौर मर्द शर्मिंदा हूं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 अगस्त को कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून डॉक्टर से मुबैना ज्यादती और कत्ल के वाकये ने पूरी भारतीय कौम को हिला कर रख दिया है और इस वाकये पर मुनव्वर फारूकी ने भी रद्दमल दिया। इन्होंने कहा कि अस्पताल ऐसी जगह है जहां जान बचाई जाती है, ऐसी जगह जहां हर वक्त हर कोई चौकन्ना होता है। इस जगह को हम महफूज समझते हैं लेकिन वहां पर जान बचाने वाला डॉक्टर महफूज नहीं। इस वाकये ने मिसाल कायम कर दी है कि औरत कहीं भी महफूज नहीं। 32 साल कॉमेडियन से पूछा गया कि वाकयों को बतौर मर्द कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। इस पर मुनव्वर फारूकी ने जवाब दिया कि बतौर मर्द मैं शर्मिंदा हूँ, सिर्फ कलकत्ता वाकये पर ही नहीं बल्कि हम बच्चियों के साथ भी ऐसे वाकयात सुनते आ रहे हैं। शर्मनाक बात तो यह है कि लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने दरख्वास्त की कि इस नौइयत के मामले को मर्द बमुकाबला औरत ना बनाएं। ये जो बहस चल रही है इस पर मर्दों से कहूंगा कि ख्वातीन जो कह रही हैं इसे नजर झुकाकर सुन लो। अगर वो फ्रस्ट्रेशन में सब मर्दों को बुरा कह रही हैं तो भी सुन लो। दरअसल औरतें इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं।